हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज की वीडियो में मैं सिक्योरिटी गार्ड के टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में, और क्या क्या आपको इसमें वीज़ा प्राप्त होगा, दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा और कैसे कंपनी से डील करोगे, कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे यही आते हैं कि सर सिक्योरिटी गार्ड में जाना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या हमको इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है और कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो भी दुबई में जाने वाले हैं, जो कि अपना जाने के लिए परीक्षा रखते हैं कि हमको दुबई में जाकर काम करना है और 40-50 हज़ार रुपये हम कमाना चाहते हैं दुबई जाकर सिक्योरिटी गार्ड में। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब बहुत अच्छा है, कोई माड़ा जॉब नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है, बैठने खड़ने का जॉब होता है, कोई किसी का प्रेशर नहीं होता है इतना। क्योंकि मैं भी खुद जॉब कर चुका हूँ दुबई में, इसलिए मुझे जो भी मालूम होता है मैं आपको वीडियो के भी बनाकर बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वीडियो दुबई के रिलेटेड ही होता है। दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो भी काम धंधा वहाँ पे है उसके बारे में मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ मेरे चैनल के जरिए, क्योंकि मेरा चैनल ही दुबई का रिलेटेड है, दुबई के रिलेटेड मैं सब वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझे प्लीज़ मैसेज करिए और मेरा वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप कंपनी में कैसे जाओगे दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में, कैसे ज्वाइन करोगे कंपनी। पहली बात तो आप अपना सीवी बनाइए, सीवी जो होता है रिज्यूम, बड़ा सारा करके बढ़िया सा रिज्यूम बनाइए। आप अपनी तरफ से नहीं, कैफ़े में जाइए, कैफ़े में जाके अच्छा सा रिज्यूम बनाइए और वहाँ पे जाके अपना क्वालिफिकेशन जो आपने पढ़ा लिखा हुआ है सब लिखना है, मेंशन करना है, अपना नाम अच्छे से, पता एड्रेस सब कुछ डालना है। उसके अलावा आपका अपना जो भी एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है, वो भी ज़रूर डालना है। एक्सपीरियंस जरूरी है, मस्ट है, दुबई में काम करने के लिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए अगर आपने पहले कभी सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं किया तो आप दुबई में जाकर कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे। वो कंपनी वाले सोचेंगे कि इस बंदे ने तो पहले काम ही नहीं किया है कोई, तो हमको उसके लिए बहुत इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, समझाना करना पड़ेगा। जो जिसने काम किया होगा 1 साल 2 साल 3 साल का, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी वाला वो पहले आदमी लेगा, आपसे पहले उस आदमी को लेगा कि हम इसको लेते हैं क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने काम किया हुआ है, हम इसको क्यों लें। सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस में ज़रूर लिखना है कि हमने काम किया हुआ है। अगर आपने काम पहले नहीं किया, फ्रेशर हो, तो अपना किसी के अंडर लग जाइए, 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेके आपको ये पक्का हो जाएगा कि हाँ अपने काम कर चुके हो, कंपनी को पता चल जाएगा कि आप एक जेन्युइन आदमी हो, आप काम करना चाहते हो, पहले इस फील्ड में थे। पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि आप इस फील्ड में थे, आप जेन्युइन आदमी हो, आप काम करना चाहते हो, सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कैसे ज्वाइन करोगे। कंपनी ज्वाइन करने के लिए आप ऑनलाइन भी अपना ज्वाइन कर सकते हो, किसी एजेंट के द्वारा भी कर सकते हो या खुद खुद के द्वारा भी कर सकते हो। खुद के द्वारा ऐसा करोगे कि अलग अलग कंपनीज की इंटरव्यू आती हैं ऑफिस में, जो भी ऑफिस होते हैं आपके नज़दीकी में जो भी ऑफिस होंगे उसमें आप कॉन्टेक्ट करके रखिए कि सर अगर किसी की दुबई में हमको इंटरव्यू आएगा तो हमें वो ज्वाइन करना है। वो इंटरव्यू आते रहते हैं, हर महीने 2 या 3 कंपनी के इंटरव्यू मस्ट आते ही हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनीज के आते हैं। आप वहाँ पे रिज्यूम लेके जाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, अपना जो आपका होगा पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी बढ़िया रखिए, फिट रहिए और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देकर आप उनको बताइए कि हमने सर ये काम किया हुआ है, तो फिर वो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी जो मेन बात है, किसी एजेंट को पैसा मत दीजिएगा, पहले पैसा नहीं दीजिएगा। जब आपका काम हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद आप पैसा दे भी सकते हो थोड़ा बहुत, नहीं तो पैसा किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो वीज़ा होता है वो ज़्यादा कॉस्ट का नहीं होता है, तो कम पैसों का ही होता है, ज़्यादा पैसे वहाँ पर नहीं लगते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। टिकट वगैरह ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार की, और 20 हज़ार आपसे थोड़ा ऊपर ले लेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात, आपका ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन आप कंपनीज का जो भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको मालूम है वहाँ पे कंपनी का नेम भर के वहाँ पे इंटरव्यू में सेलेक्ट करके अपना रिज्यूम अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद अपना नंबर वहाँ पे रिज्यूम में मेंशन करना है। अगर आप उनको आपकी ज़रूरत होगी या किसी आदमी की ज़रूरत होगी, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या फिर ऑनलाइन आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ये बात होगी आपकी ज्वाइनिंग की।
और चौथा पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कितने क्वालिफिकेशन चाहिए दुबई में काम करने के लिए। क्वालिफिकेशन सर जरूरी है, आप कम से कम तो 12 पास जरूरी है, 12 पास चाहिए ही चाहिए उनको, 10वीं या 12वीं, 10वीं होगा तो भी चल जाएगा पर 12वीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, 12वीं से ऊपर भी होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि दुबई में आगे जाकर कंपनी में आप अगर 3 साल लग 2 साल लग के बाद आपको वहाँ पे अलग अलग कंपनीज की वैकेंसी निकलती है, आप वैकेंसी भर के वहाँ पे कोई और जॉब के बारे में भी ट्राई कर सकते हो, या जो सिक्योरिटी गार्ड में आप सुपरवाइजर भी बन सकते हो। सुपरवाइजर बन जाओगे तो फिर आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, आपको रहने खाने का एडवांस में और ख़र्चा भी मिलेगा, यानी कि बहुत सी सुविधाएं आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अगर आप क्वालिफिकेशन आपकी बढ़िया होगी, आप स्टडी में बढ़िया काम किया होगा या करते होंगे। उसके अलावा इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हमको सर कम आती है, नहीं आती है, सर इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर वहाँ पर जाकर आप कस्टमर से कैसे डील करोगे, कस्टमर के साथ बात कैसे करोगे, अगर उसने आपको कुछ समझाना है तो कैसे समझाएगा सर। इंग्लिश मस्ट है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश चाहिए। जैसे आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपको ज़रूरी है, वोकेबलरी पढ़िए और जो आपका ग्रामर है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, और अपना जो स्किल है इंग्लिश का स्किल बढ़ाना ज़रूरी है। मैं बहुत से लोग देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड में अगर उनका वीज़ा लग भी जाता है तो यहाँ आकर कंपनी में बहुत मुश्किल होती है काम करने में, क्योंकि कंपनी जो कस्टमर होते हैं उनके साथ बात नहीं कर सकते, आप कैसे बात करोगे, इंग्लिश से थोड़ी बहुत आपको आती है, कि वो लोग हिंदी में बात नहीं करते, कोई कोई लोग हिंदी में बात करते हैं तो आप हिंदी में बात करोगे वो तो नहीं करेंगे, अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी में बात करोगे वो तो नहीं करेंगे, पंजाबी लोग आपके लोग हमारे लोग जो है पंजाबी में हिंदी में बात कर सकते हैं, वहाँ के लोग नहीं करेंगे, हम दूसरी कंट्री में जाना है इसीलिए इंग्लिश आप सीख कर जाइए। और जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा जो और जो थोड़े बहुत पॉइंट है जिसके बारे में लोग मैसेज करते हैं कि सर 6 महीने के बाद कंपनी हमको छोड़ना है, साल के बाद छोड़ना है, कंपनी ऐसा छोड़ने नहीं दे रहा है, तो देखिए सर 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है जब आप कंपनी में जाते हो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको काम करना जरूरी होता है कंपनी के, क्योंकि कंपनी ने आपको खर्चा करके वहाँ पर बुलाया होता है, उनको भी आदमी इतनी जल्दी नहीं हायर होते हैं, उनको हायर करने के लिए भी कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं हर एक कंपनी को आदमी बुलाने के लिए। तो 6 महीने आप काम करिए, काम करने के बाद आप अपना जो है रेजिग्नेशन डाल सकते हो, रेजिग्नेशन डालने के बाद आप 1 महीने के बाद आप छुट्टी हो जाएगी आपकी कंपनी से, आप दूसरा कंपनी ज्वाइन करिए या फिर अपने मुल्क में भी आ सकते हो, क्योंकि 6 महीने तो आप काम कर ही सकते हो। अगर 6 महीने का नहीं काम करना है तो आप 1 साल काम कर लीजिए, 2 साल, जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी काम कर लीजिए, वो तो आपको वीज़ा बढ़वाना है, वीज़ा जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, 10 साल का वीज़ा ले लीजिए, 5 साल का बढ़ा लीजिए, 15 साल, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 30 30 40 40 साल से दुबई में है, वीज़ा रिन्यू करते हैं वही कंपनी में है, सैलरी बढ़िया है, सब पैकेज मिल रहा है, वो आराम से बैठे हैं। तो जो मेन मेन टिप्स है सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो मैसेज करते हो, और कोई जानकारी चाहिए प्लीज़ मैसेज जरूर करिएगा मुझे, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।